हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज राजस्थान के भूगोल का अपवतंत्र से क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट काफी पड़ जाता है आपके। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज अपवतंत्र से संबंधित क्वेश्चंस। और अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो दोस्तों, सेटिंग्स में जाके इसको वीडियो सेटिंग्स में आप 480p कर लेंगे तो आपका वीडियो अच्छा आएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवक्षेप मानी जाती है? तो दोस्तों, 33 सागर का अवक्षेप जो है राजस्थान में मानी जाती है। तो दोस्तों, क्या पृथ्वी पहले ऐसे दो भागों में थी, दो भागों में बटी, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में जो ये निर्माण हुआ उसका ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 33 सागर बोला जाता है। ये क्या है? 33 सागर। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भाग बन गए थे। तो ये 33 सागर आपकी जो राजस्थान में खारे पानी की जिला, वो 33 सागर की अवक्षेप हो गई दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, पटवारी में आया हुआ। गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाला शासक था? महाराणा राज सिंह ने ये राजसमंद झील का निर्माण कराया। इसके बारे में हम ब्रीफ से डिस्कस करेंगे दोस्तों बाद में। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। और ऐसे पूछा जाए राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो क्वेश्चन आगे आया हुआ है और आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे दोस्त। तो राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, जो एमपी में भी बहती है। तो इस तरह से चंबल की लंबाई सबसे ज्यादा है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसलमेर झील है। तो ये सबसे बड़ी है मीठे पानी की। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राचीन प्राकृतिक झील के बारे में बात करें तो दोस्तों, पुष्कर झील है वो प्राचीन प्राकृतिक झील। तालछापर व पड़ियारा रन क्षेत्र है। तालछापर और पड़ियारा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। ये क्वेश्चन पटवारी 2011 में आया हुआ है। बांसवाड़ा जिले के खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है दोस्तों? तो माही नदी है वो, करक रेखा को दो बार काटती हुए और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रवाहित होती है। राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट है कौन से? आपके बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से प्रवाहित होती है। और ये माही नदी करक रेखा को दो बार काटती है। करक रेखा जिसको कि 23.5 एंड बोला जाता है उत्तरी अक्षांश में। ये मान लो 0 डिग्री है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री है उसको करक रेखा। और नीचे जो 23.5 डिग्री एस होता है साउथ वाले दक्षिणी जो होता है उसको मकर रेखा बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? करक रेखा बोलते हैं। तो करक रेखा को माही नदी दो बार काटती है। तो ये था क्वेश्चन आपका। राजस्थान की पवित्र झील है दोस्तों, पुष्कर झील है जो कि प्राकृतिक है और सबसे पुरानी प्राकृतिक झील है। और उस पुष्कर झील को ही पवित्र झील माना जाता है। ये भी पटवारी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करूंगा दोस्तों। निम्न से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? ये दोस्तों सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है आपका और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर वाले क्षेत्र में बांका पट्टी है। नागौर और अजमेर जिले दोनों में है। और ये बांका पट्टी का कारण जो है आपका फ्लोराइड युक्त वाटर है, जो फ्लोराइड युक्त वाटर की वजह से बांका पट्टी फैली हुई है, फ्लोराइड युक्त पानी की वजह से। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है, जो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा है दोस्तों, उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको मावठ बोला जाता है और उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। और शीतकाल में जो वर्षा होती है जैसे राजस्थान में, ये है राजस्थान, तो नॉर्मली जो मानसून आता है वो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से आता है और जो शीतकालीन मानसून है वो उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से आता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिड सॉल्ट्स और एंटी सॉल्ट्स जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। तो एरिड सॉल्ट्स और एंटी सॉल्ट्स मिट्टी है वो आपके सर्वाधिक। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस जो कि इसरो द्वारा 2007 में जारी किया गया था दोस्तों, इसके अनुसार राजस्थान में मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र कितना है? जो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है उसका 67% भाग है वो आपका मरुस्थल से प्रभावित है, वो इसरो द्वारा 2007 में जो सर्वे किया गया था उसके अनुसार। मावट वर्षा जिनसे होती है? माउट वर्षा दोस्तों, माउट वर्षा जो सर्दियों में होती है और इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं। मावट को क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। और ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। मान लो ये राजस्थान का ही है तो नॉर्मल मानसून इस तरफ से आएगा, पर ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावट बोलते हैं।
और इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, और रबी की फसल के लिए लाभदायक होने की वजह से इसको गोल्डन ड्रॉप्स बोला जाता है। राजस्थान में निम्न से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? दोस्तों नमी की जो है नमी वो हड़ौती वाले क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे नदियां और ज्यादा है, उसकी वजह से हड़ौती वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा नम होता है। और शुष्क क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है, उसको शुष्क, सबसे ज्यादा शुष्क पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सब शुष्क क्षेत्र में आपके आते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? तो दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान में क्या, पानी का जो है वो पानी मिट्टी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर चला जाता है, और जो क्षार या अम्ल होते हैं वो ऊपर जमा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जल रिसाव की वजह से ही जल रिसाव हो जाता है, इसकी वजह से आपकी ये अम्लीय या क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे अपना YouTube चैनल पे राजस्थान ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन सारे डिस्कस किए। इस तरह से हमारे टोटल 1001 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके साथ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स इसकी PDF भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें, और आपको PDF भी प्रोवाइड कराई दी जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये राजस्थान के प्रीवियस में जो भी राजस्थान में एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपको आए हुए क्वेश्चन को ब्रीफ में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।